everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another video. I hope you all are doing great. So guys, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेकअप प्रोडक्ट अंडर 500 रुपीज के बारे में. You know guys कि फेस्टिव सीजन एंड वेडिंग सीजन चल रहा है एंड ऐसे में अच्छे मेकअप प्रोडक्ट आपके पास होना ऐसा हो नहीं सकता. Yes, you heard it right. Good quality makeup product under 500 rupees. कितना बजट में लगता है ना, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट आई एम श्योर कि आपको देखने में भी उतना ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 500 रेंज के मेकअप प्रोडक्ट जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, जिनके साथ मैंने कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं किया है. बट साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर एक मेकअप लुक भी क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ उन सेम प्रोडक्ट के साथ. सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू न्यू हेयर देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फोरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, तभी तो आपको आगे की अपडेट मिलती रहेगी. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स क्विकली जंप टू द वीडियो. सो गाइस, जो भी प्रोडक्ट मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अंडर 500 रुपीज़ की रेंज में, उन सभी को मैंने इस वाले बॉक्स में रख लिया है. बॉक्स पे मत जाइए, ये बॉक्स वैसे तो शुगर का है, बट इसी के अंदर मैंने सारे प्रोडक्ट्स को रख लिया है. एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीरियल वाइज ऑर्डर में मैं आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाऊंगी. जैसे हम मेकअप स्टार्ट करते हैं वहां से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. एंड आपको विश्वास नहीं होगा कि इस पूरी किट के अंदर एक प्रोडक्ट 75 रुपीज़ का भी है, मतलब स्टार्टिंग मैंने बहुत कम से की है एंड देन 500 की अंडर रेंज में प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है. मेकअप की बिगिनिंग होती है मॉइस्चराइजर से, एक अच्छे मॉइस्चराइजर से. तो यहाँ मॉइस्चराइजर के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जिसको मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ. सो गाइज, मॉइस्चराइजर के लिए मेरे पास ये है जॉनसन्स बेबी का क्रीम है गाइज, एंड ये 30 ग्राम का है एंड इसका प्राइस है 75 रुपीज़. एंड इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि ये कितनी ज़्यादा अमेजिंग क्रीम है. बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइजर है, अगर आप इसे अपने फेस पर लगा लेते हैं एंड मेकअप करते हैं तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ ग्रीसी लगा रखा है. या आपके फेस को मॉइस्चराइज तो करता ही है, बट एट द सेम टाइम ये काफ़ी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता, यह चिपचिपा सा नहीं लगता. सो ये फर्स्ट प्रोडक्ट था मेरे 500 रेंज की मेकअप किट के अंदर. आफ्टर मॉइस्चराइजर हमें ज़रूरत होती है एक अच्छे फाउंडेशन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा मिनिमल हो, काफ़ी लाइट वेट हो, जिसको अप्लाई करना इजी हो. तो इसके लिए मेरे पास बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है. सो वो है ये है माई ग्लैम का पोज HD फाउंडेशन एंड इसकी एप्लीकेशन इतनी ईजी है एंड इतनी सीमलेसली ब्लेंड होता है एंड कवरेज भी बहुत ही अच्छी देता है. लाइक ये हाई कवरेज फाउंडेशन तो नहीं है गाइस, अगर आप एवरीडे में यूज़ करना चाहते हैं या आप एक ऐसे पर्सन है जिसको बहुत हैवी बेस पसंद नहीं है तो आप इस वाले फाउंडेशन के साथ जा सकते हैं. एंड ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं. एंड बहुत ही क्यूट सा ये स्टिक वाला फाउंडेशन है एंड इसको अप्लाई करना तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि मुझे बहुत हैवी बेस पसंद नहीं होता. चाहे मैं फंक्शन में जाऊँ या मैं वैसे भी मेकअप करूँ, मुझे बहुत ही लाइट वेट पसंद है, तो मैं इस वाले फाउंडेशन को प्रेफर करती हूँ. सो इस फाउंडेशन की प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस है 419 रुपीज़. अगेन ये 500 की रेंज के अंदर है, ये 500 का नहीं है, उससे कम प्राइस का है एंड कम प्राइस में आपको एक अच्छा फाउंडेशन मिल रहा है गाइज. देन गाइज, फाउंडेशन के बाद बारी आती है कंसीलर की एंड कंसीलर के लिए आपको मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट जो मैंने पर्सनली इस वाली अंडर 500 मेकअप किट में इंक्लूड किया है वो है ये. सो ये है NYB का HD स्पॉटलेस लिक्विड कंसीलर. इसके अंदर जो मेरा शेड है वो है डार्क व्हाइट चॉकलेट एंड इसके प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, ये सिर्फ आपको 183 रुपीज़ में मिल जाएगा. एंड ये इतनी अच्छी कवरेज प्रोवाइड करता है, इनफैक्ट आप इसे एज अ हाइलाइटिंग कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस आई मेकअप के लिए बेस प्राइमर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक मुझे ये वाला कंसीलर बहुत ज़्यादा पसंद है, अभी तक मैं इसकी दो ऐसे बॉटल्स को ख़त्म कर चुकी हूँ, मतलब मुझे इतना पसंद है एंड अफोर्डेबल भी बहुत है और बहुत अच्छी कवरेज प्रोवाइड करता है. नो डाउट आपको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है इसे अप्लाई करके एंड उसके बाद आपकी डार्क सर्कल पिगमेंटेशन को बहुत अच्छे से कवर करता है. देन कंसीलर अप्लाई करने के बाद बारी आती है कॉम्पैक्ट की. सो मेरे पास कॉम्पैक्ट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो है ये माई ग्लैम का लिट रेडियंट मैट कॉम्पैक्ट. ओ माई गॉड, इसकी फिनिश इतनी ज़्यादा अमेजिंग है, लाइक आप इससे अपने बेस को काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं. एंड इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 297 रुपीज़ एंड इसके अंदर मेरा शेड है सर्विंग फेस एंड मैं आपको दिखा देती हूँ. पैकेजिंग तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है एंड देख सकते हैं आप,
शेड भी काफ़ी प्यारा है, लाइक मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट है बट मैं काम चला लेती हूँ क्योंकि मैं फाउंडेशन के ऊपर जब इसे अप्लाई करती हूँ तो थोड़ी देर बाद ये मेरे स्किन से बिल्कुल ही मिक्स हो जाता है, पता नहीं चलता, एंड लॉक करता है आपके फाउंडेशन को, स्वेट नहीं आने देता, क्रीज नहीं होने देता, एंड आपके साथ आपको इसके साथ ये स्पॉन्ज मिल रहा है एप्लीकेटर जिसे ईजी होता हो जाता है अप्लाई करना, एंड अगर आप इसे ब्रश की हेल्प से अप्लाई करते हैं तो ये बेकिंग का भी काम करता है, एंड इतने अफोर्डेबल रेंज में इतना अमेजिंग होम पैक आपको मिल रहा है, और क्या चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए। बाय द वे इन सभी प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इजीली इन प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। ये अमेजोन, मैग्लैम की साइट, पर्पल, नायका सब पर अवेलेबल हैं, आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। सो गाइज, आफ्टर कॉम्पैक अब बारी आती है आई मेकअप की, तो आई मेकअप में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्राउज को डिफाइन करने का। सो ब्राउज को डिफाइन करने के लिए मेरे पास बहुत ही अमेजिंग चीज़ है एंड मैं इसकी फ़ैन हो गई हूँ क्योंकि इतना सीमलेसली ये ब्राउज को फिल करता है ना, ओ माई गॉड, एकदम नेचुरल लगती है, लाइक देख सकते हैं मैंने अभी भी फिल कर रखी है, बहुत ही अच्छे से शेप देता है ये ब्राउज को, एंड इसका जो पिगमेंट है वो स्टक करता है ब्राउज में, बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होता चाहे कितनी भी स्वेटिंग आपको हो रही हो। सो मेरे पास ब्राउ के लिए है ये शुगर की आर्क अराइवल ब्राउ डिफाइनर 04 फ्लिक्स ऑनेक्स, इसमें जो मेरा शेड है, एंड आप देख सकते हैं किस तरीके की फॉर्म में आता है, बिल्कुल प्रिसाइज दे रखा है, एंड आप इसे प्रिसाइजली अपनी ब्राउज को फिल कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एंड इसके अंदर जो मेरा शेड है वो प्रॉपर ब्लैक भी नहीं है एंड प्रॉपर ब्राउन भी नहीं है, उसके बीच वाला जो शेड होता है ना, मैंने वो शेड पिक किया है क्योंकि मेरी ब्राउज ना ही ब्लैक है ना ही ब्राउन है, सो इसलिए मैंने मिड वाला लिया है, एंड अप्लाई करना इससे इतना ईजी हो जाता है, आपका आधा काम तो यहीं ख़त्म हो जाता है। मुझे ये फेवरेट है, ये मेरी ब्राउ पेंसिल अब तक की फेवरेट है, इससे पहले मैं मैक की पेंसिल यूज़ करती थी वो भी अच्छी थी, बट ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है गाइस। सो इस ब्राउ डिफाइनर की प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 449 रुपीज़, एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैं ये श्योरली कह सकती हूँ कि आपको रिग्रेट नहीं होगा इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट करके, क्योंकि ये इतना सा प्रोडक्ट काफ़ी टाइम तक चलने वाला है। बात करें अगर आई मेकअप की तो सबसे पहले आई मेकअप के लिए मेरे पास है ये NY बे का प्रो ब्लश प्लस हाईलाइटर पैलेट, एंड ये इतना अमेजिंग मल्टीपर्पज़ पैलेट है गाइज, लाइक इस पैलेट से आप अपनी आई मेकअप कर सकते हैं, एज अ ब्लश अप्लाई कर सकते हैं, एज अ हाईलाइटर अप्लाई कर सकते हैं, एंड ओ माई गॉड, इसकी पिगमेंट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सो इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 487 रुपीज़, एंड इसमें मेरा पैलेट नंबर है 02। सो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, एंड इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, एंड आप कलर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर शेड्स हैं, एंड कुछ मैट है एंड कुछ शिमरी शेड है, एंड ओ माई गॉड इसकी पिगमेंट। सो मैं आपको मैट और शिमर दोनों का स्वॉच करके दिखा देती हूँ कि कितना अमेजिंग पिगमेंट है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, एंड बहुत ही अच्छा कलर पे ऑफ देता है, एंड मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि एक तो ये मल्टीपर्पज़ पैलेट है एंड आप इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अंडर 500 की रेंज का ये आई शेडो पैलेट है, एंड अगेन ये बहुत ही अमेजिंग पैलेट है। इसके अलावा एक पैलेट और भी है अंडर 500 रुपीज़ की रेंज में, वो है ये पॉप एक्सो का मेकअप कलेक्शन वाइट चेक 12 आई शेडो किट, एंड इसके अंदर इतने पॉप अप कलर हैं गाइस, एंड सारे के सारे मैट शेड हैं, एंड काफ़ी अच्छे पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं, एंड कलर पे ऑफ इनका मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक पिगमेंट में थोड़ा है कि आपका चंकी चंकी से जो डस्ट ऑफ होगा ना प्रोडक्ट थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जो इसका कलर पे ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लाइक आपको जैसा कलर दिख रहा है वैसा ही कलर आपको अप्लाई करने के बाद भी दिखेगा। इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 269 रुपीज़, अगेन ही काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल 500 रुपीज़ की रेंज का आई शेडो है, एंड आपको इसके अंदर 12 आई शेडो मिल रहे हैं, एंड आप देख सकते हैं कलर काफ़ी सुंदर न्यूट्रल शेड्स हैं, एंड काफ़ी सारे ब्राइट शेड भी हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड इनका भी स्वॉच दिखाती हूँ मैं आपको, देख सकते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड एंड काफ़ी सुंदर शेड्स हैं, कि इतने कम रेंज में मुझे 12 आई शेडो मिल रहे हैं, एंड जो कि एक अच्छी बात है अगेन। तो अगर आप कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं आई शेडो के लिए तो आप NY बे के साथ भी जा सकते हैं या फिर आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। सो एक और आई शेडो है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, एंड मैंने इसकी जब शॉर्ट्स अपलोड की थी ना उस पर मुझे इतने सारे व्यूज़ आए थे, मतलब कि ये है शुगर का आई लव जेली आई शेडो, एंड ओ माई गॉड इसकी तो मैं फ़ैन हो चुकी हूँ,
क्योंकि इतना सुंदर शिमरी शेड है एंड प्लस अप्लाई करना इतना इजी है, कोई फॉल आउट नहीं एंड नो चिपचिपकाने की भी कोई झंझट नहीं है, बस ब्रश में लगाना है एंड ईजिली अप्लाई करना है एंड जहाँ तक भी आपको ज़रूरत है वहाँ तक, बहुत ही अच्छा पिगमेंट देता है एंड कलर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सो इस आई शेडो की बात करूँ तो इसका जो प्राइस है वो है 285 रुपीज़। सो इसके अंदर जो मेरा शेड है वो है 03 एम्बर अट्रैक्शन। इतना सुंदर शेड है एंड इसको अप्लाई करना इतना ज़्यादा अमेजिंग है, लाइक सीरियसली मुझे बहुत पसंद आया था ये। एंड जब मैंने इसको अप्लाई किया था मुझे इतनी सुंदर मेरी आईज लग रही थी एंड बहुत ही ना चंकी वाला नहीं लग रहा था, ऐसे शिमर लग रहा था, बहुत ही ना अच्छा सा लुक आ रहा था एंड मुझे ये बहुत पसंद आया था। एंड जल्दी मैं इसका और भी जेली आई शेडो खरीदने वाली हूँ और डिफरेंट शेड में। एंड आप इसे एज अ आई लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं गाइस, तो ये आप इसे दो तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। आई शेडोज के बाद बारी आती है लाइनर की, तो लाइनर के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वो ये है शुगर का आई वॉन यूसो डबल मैट आई लाइनर 01 ब्लैक स्वान, इसके अंदर मेरा शेड है एंड ये इतना ब्यूटीफुल शेड है गाइस, लाइक आप देख सकते हैं मैंने अप्लाई कर रखा है एंड ये बिल्कुल जेट ब्लैक वाला होता है ना, ब्लैक वो है एंड मैट है, इसमें कोई भी शाइन ऐड नहीं है एंड इसका जो एप्लीकेटर वो मुझे इतना पर्सनली पसंद है, बहुत ही अच्छे से आप विंग लाइनर को अप्लाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। एंड शुगर के प्रोडक्ट मैंने भी रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किया एंड मुझे इतने पसंद आया ना, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। बाय द वे इसके अंदर मेरे पास एक और भी लाइनर है, वो मैं कभी और शेयर करूँगी। इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 699 रुपीज़। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरी पूरी मेकअप किट में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट अगर आप शुगर की या पर्पल या नायका से खरीद लेना तो आपको डिस्काउंट में ये 500 के अंडर रेंज में मिल जाएगा एंड ये मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं शेयर कर देती हूँ। बात करें मश्कारा की, तो मश्कारा के लिए मेरे पास बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल मश्कारा है एंड मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। सो ये है ब्लू हेवन का वॉक फ्री कर्लिंग मश्कारा एंड गाइज मैं आपको बता दूँ कि ये मुझे क्यों पसंद है, सिर्फ और सिर्फ इसके वॉन्ड एंड एप्लीकेशन की वजह से। आप इसका वॉन्ड देख सकते हैं, काफ़ी प्रिसाइज वॉन्ड है जिससे कि नीचे एंड ऊपर दोनों में अप्लाई करना बहुत ही इजी हो जाता है एंड बहुत अच्छा कर्ल प्रोवाइड करता है आपकी लैशेस पर। लाइक आपकी लैशेस अगर थोड़ी सी घनी है ना, आप ये मश्कारा लगा रहे हैं ना, तो आपको फेक लैशेस लगाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है। एंड इसका प्राइस 135 रुपीज़, जस्ट 135 रुपीज़, इतने कम प्राइस में इतना अमेजिंग मश्कारा मिल रहा है। लाइक इसकी एप्लीकेशन, ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है इसकी एप्लीकेशन, बहुत ही अच्छी है, मुझे पर्सनली मेरा फेवरेट मश्कारा है। सो गाइस पूरा मेकअप कंप्लीट करने के बाद, मेकअप तब तक इनकम्प्लीट है जब तक हम उस पर लिपस्टिक अप्लाई नहीं करते, तो लिपस्टिक के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा ऑप्शन है, वो है ये है माई ग्लैम का लिट लिक्विड लिपस्टिक डुओ एंड आप देख सकते हैं दोनों ही शेड काफ़ी सुंदर एंड काफ़ी प्रिटी शेड है, एवरीडे में आप यूज़ कर सकते हैं। ये पीची ऑरेंज शेड है एंड ये पिंक वर्सेटाइल पिंक शेड है, इनको अप्लाई करने के बाद जो स्मूथनेस एंड मैटिफाइंग फिनिश आती है वो तो क्या ही कहना एंड काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है गाइज एंड मुझे पर्सनली इनकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, काफ़ी क्यूट सी पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं काफ़ी क्यूट पैकेजिंग के साथ आता है एंड ये देख सकते हैं रस्टिक पिंक कलर होता है ना, वैसा पिंक शेड है एंड कितना सुंदर लग रहा है। मैं दूसरा शेड भी आपको दिखा देती हूँ, ये न्यूड ऑरेंज शेड होता है ना, वैसा है लाइट, लाइक इस कलर के आजकल टिंट भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है, बट ये शेड पर्सनली दोनों शेड मुझे काफ़ी पसंद है। इसके प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस है 349 रुपीज़, तो 349 के अंदर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्रिटी शेड, मुझे ये डील बिल्कुल भी लॉस में नहीं लगी तो मैंने परचेज कर दिया। सो ये थे मेरे मेकअप प्रोडक्ट अंडर 500 रुपीज़ जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड साथ में ये लुक अचीव किया है। आई होप कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी एंड अच्छी लगी होगी एंड साथ ही साथ ये वाला लुक भी, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं एंड ये लुक कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।